okay? Okay. Forget today. This is done and dusted. Khatam ho gaya. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। पहले ब्रश व्रश कर लें। उठ चुके हैं सो के, टाइम 12 बज रहे हैं। तो फाइनली आज अपना शो डे है। हालत तो बताने की जरूरत नहीं है, जो भी वही देख रहा होगा समझ गया होगा। पानी बंद है कल से, आज होगी 7 तारीख, 6 को नहीं पिया और 5 की शाम से बंद है। जवान भी सूखी हुई है, तो पहले अपना ब्रश व्रश कर लेते हैं, आ जाओ फिर करते हैं बात। खोल दे भाई। बस 3 बजे सोया था मैं, उसके बाद 1 घंटे आँख लग रही थी फिर खुल रही थी, आँख लग रही थी फिर खुल रही थी। बाकी देख लो लेग्स, मेरे जिस्म भाई को देखनी थी। बॉडी से बाल वाल भी ट्रिम करेंगे और बाल वाल सेट करेंगे। खड़े हैं ऐसे नहाए हुए, ऑलमोस्ट महीने भर से ऊपर हो गया। इस दिन का ही वेट कर रहे थे कि कब गेम शो डे आए और जो मेरा बेस्ट वर्जन है वो मैं लेके आऊँ। बस ये होती है जब लास्ट का दिन होता है कि बस कुछ घंटे रह गए ना और पकड़ ले, क्योंकि पानी बंद होता है, कार्बोहाइड्रेट लोड करे होते हैं, नींद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बोलने के तरीके से ही पता चल रहा होगा कि कितना दम लगा के बोलना पड़ रहा है। बाकी अभी तो दाढ़ी बड़ी है, इस वजह से फेस दिख नहीं रहा होगा। तगड़ा करेंगे बिल्कुल, बस चल रहे हैं अभी। पहले बॉडी से बाल वाल भी ट्रिम करूँगा ना, बाल आ रखे पूरे ट्रिम करेंगे। चलो तो भाई अपना कुछ खाने जा रहे हैं, भूख लगी है बहुत तेज़। बस शुगर लोड करेंगे ऊपर, देखेंगे क्या होगा खाने में क्या नहीं होगा। कार्ब्स तो लोड नहीं करूँगा क्योंकि गैस बन जाएगी। बाकी जो रात की फीलिंग है वो भी आपसे ऊपर खाना खाते हुए शेयर करेंगे, रात को क्या हुआ, कैसा हुआ, कैसी रात गई, अंदाज़ा आप लगा ही सकते हो बोलने में जो हालत हो रही है अभी। बस हाँ यही बोलना चाहूँगा, मेरा जो भी भाई वीडियो देख रहा है, आप लोगों के लिए एक पारिवारिक कंटेंट बनाते हैं और जितना मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, जितना अरे भगवान जितना मैं सीख रहा हूँ उतना आप लोगों को बता रहा हूँ। तो बस यही उम्मीद करूँगा जो भी मेडल आ जाए, अगर अच्छा मेडल आए तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले आप। तो इंटरनली ना मुझे टारगेट मिलता रहता है, टारगेट ऐसा रहता है कि 3 हो गए 3 से 5 करने हैं, 5 हो गए 5 से 8 करने हैं, है ना। बाकी मेडल आए ना आए वो तो बाद की बात, बिकॉज मैं ही नहीं, मेरे सारे भाई बंधु मेहनत करके आए हैं। बस एक रिक्वेस्ट और जाऊँगा, डिसीजन फेयर हो बस। ऑरेंज खाने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि जूस सा निकल रहा है इसके पल्प में से और पानी का काम कर रहा है। पानी नहीं पिया कल से बिल्कुल, रात को 10 बजे से तो 1 सिप पानी नहीं पिया कल, 6 से 7 हो गया आज, ऑलमोस्ट 12-14 घंटे हो गए।
मतलब गले से निकल रहा है ना ये। सुबह नींद तो ऐसी आई पूरी रात, मतलब बस आती रही जाती रही। तो सुबह 5:30 बजे मैं उठ गया था अपना, 15-20 मिनट बैठा आँख बंद करके, रियलाइज़ किया जो भी अच्छा बुरा वक्त था, मेडिटेशन तो इसे क्या ही कहेंगे, कैसे अप्स एंड डाउन्स आए, पूरा स्टार्टिंग की जर्नी देखें और अब तक देखें, कोचेज़ वगैरह, सप्लीमेंट्स वगैरह, मतलब सब कुछ जैसे भी पागल बना, फिर कुछ अपनी हरकतों से अप्स एंड डाउन्स आए, कुछ टाइम अकेले भी बिताया, वो भी सोचा कि अकेले क्यों बिताया गया, कुछ लोग मिले उन्होंने यूज़ किया सारा, मतलब यूज़ ही किया अभी तक तो लोगों ने। फिर एट द एंड फील हुआ कि अब जिस ट्रैक पे चल रहे हैं यहाँ से ही बहुत कुछ मिला है और आगे भी इसी पे चलेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, बस दिमाग को सेंटर में रखना है, किसी फालतू झपड़ में नहीं पड़ना, नॉट फॉर कॉम्पिटिशन। एक बड़ा दिन है आज मेरे लिए, बड़ा दिन भी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पहुँचने के लिए आज 100-120 दिन की जो मेहनत करी है, पूरा खाने से दूर रहूँ, पार्टी वगैरह मैं करता नहीं हूँ कुछ भी, बस सिंपल सा रूटीन है। आप लोग व्लॉग्स में भी देखते होंगे कि सुबह उठे जिम फिर घर, सुबह उठे जिम बस फिर घर, तो जिस चीज़ को मैंने अपना पूरा जीवन ही दे दिया। कल एक कमेंट मैंने पढ़ा, उस भाई ने बोला हुआ था कि भाई इतना बॉडी को आप स्ट्रेस दे रहे हो, मैंने उसे रिप्लाई भी किया, आप लोग जाके पढ़ना, लास्ट वीडियो थी अपनी, कि भाई इतना बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हो, कैश प्राइज़ कुछ मिलना नहीं है प्लस जानकारी इसके, तो मैंने उसे बहुत प्यार से कमेंट किया, मेरे भाई मैं कैश प्राइज़ के लिए खेल ही नहीं रहा, बॉडी बिल्डिंग मेरा एक लाइफ स्टाइल है, मैं उसे जी रहा हूँ, और रिस्क तो यार एक चलने में भी, अगर आप पैदल भी चल रहे हो वहाँ भी ठोकर खा के गिर गए तो क्या पता, तो रिस्क तो ऊपर वाले ने जिसकी जितनी लिख रखी है, जहाँ लिख रखी है, जैसे लिख रखी है वो वहीं मरेगा। आप देखो ना अभी वो समरीन वाला जो केस है उसमें 2-2 करोड़ रुपये दे के गए हैं, तो उन्हें थोड़ी पता थी कि हमारी वहाँ लिखी है। तो इनाम के लिए नहीं खेलता मैं, खेल रहा हूँ अपने अपने आप को कि एक जानने के लिए कि हाँ कोई नितिन चनीला है, उसने बॉडी बिल्डिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट करा है, और इंडिया को रिप्रेजेंट करना मतलब कि आधे से ज़्यादा आपका इंडिया में जन्म लेना सक्सेस हो गया। उनके पैसों से खड़े नहीं होते वो, तो अभी आएंगे 5 लाख का भी चेक आएगा, आप उसमें से 3 कहीं उड़ा दोगे, 2 कहीं उड़ा दोगे। मेन जो रोंगटे खड़े होने की फीलिंग होती है वो होती है कि आपकी फैमिली खुश हो रही है, घर जा रहे हो आप उनकी आँखों में एक अलग ही पूरा प्राउड देख रहे हो, बहुत भी सम्मान मिलता है, अच्छा लगता है देख के कि हाँ भैया बंदा आया रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। और एज 25 मेरी, आज आप मेरी डेट नोट कर लीजिए दोबारा, मैं बर्थडे डेट बता रहा हूँ आपको, 14 अगस्त 1997, 25 साल गई हूँ, 26 का अगले हो जाऊँगा। कोई भी अगर 25 साल का बंदा इंडिया के लिए 3 मेडल लाया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और वैसे कोई लाया भी हो 25 की एज में मेडल तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, वर्ल्ड में, एशिया में, साउथ एशिया में, नेशनल में, और मेरे पास 4 हरियाणा के ओवरऑल टाइटल सीनियर बॉडी बिल्डिंग, 1 नेशनल फेडरेशन कप का टाइटल है, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई भी नहीं है। अगर कोई आगे लेके भी आएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और एट द एंड मैंने एक चीज़ नोटिस करी है जो मैं सच बोलूँगा बिल्कुल, कि जो भी मेरी पूरी जर्नी रही, अप्स एंड डाउन्स रहे, खाने पीने का रहा, जैसे भी रहा, मतलब वाइफ ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया खाने का, कि सारी चीज़ ऑन टाइम मिली। उसके बाद पापा मम्मी के लिए तो जितना भी बोलूँ ना तो रोना आ जाएगा आँखों में, उन लोगों ने इतना करा मेरे लिए कि गलत होते हुए भी सही का साथ देना, मतलब मेरा साथ देना, और कभी किसी चीज़ के लिए आज तक ना नहीं करी उन लोगों ने। तो बस यही है एट द एंड कि आपकी फैमिली ही साथ रहती है, और इन दिनों एक एथलीट, एक बॉडी बिल्डर बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, तो ये वाला टॉपिक नहीं छेड़ते अभी, बाद में बात करेंगे। तो चलते हैं नीचे, ब्रेकफास्ट में तो ऐसा कुछ स्पेशल था नहीं, ये ऑरेंजेस ही खाई हैं मैंने, और इसमें थोड़ा सा शुगर है, पानी मतलब पानी ज़्यादा, तो ड्राई ब्राउनी लोड करेंगे। चलो सच बताऊं तो पिछली बार से अच्छी है, और आप लोग बता सकते हो देख के तो। दीपक भाई आपको भाई
एक्सट्रीम लेवल जो कहते हैं ना इम्प्रूवमेंट वो है भाई, टाइम का गेम है बॉडी बिल्डिंग, जितना टाइम मिला उसके हिसाब से नेक्स्ट लेवल इम्प्रूवमेंट है भाई। बाकी स्टेज बताएगी आप लोगों को, आज लोग स्टेज बताएगी, स्टेज देखते हैं तो चल रहे हैं अभी नीचे, क्या वेट कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो चुका है। बट अपने लिए प्लस पॉइंट ये है कि 90 प्लस, एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस बार मैं 100 प्लस नहीं, मैं 90 प्लस खेल रहा हूँ, जो मैं लास्ट खेला था 2018 में। तो कंपटीशन बहुत अच्छा होने वाला, जो 90 प्लस वाले लड़के होंगे वो भी खेलेंगे और मैं भी खेलूँगा 100 प्लस। तो मेरा वेट अभी 104 किलो, तो 2018 के बाद हम 90 प्लस में खेल रहे हैं अगेन, तो पता चलेगा स्टेज पे फाइट है इस बार। और तुम भाई मेरे बारे में कुछ हाय हाय, क्या जीवन जी मेरे चीतो, सुबह सुबह ठंडी ले रहे हैं, ठंडी वाह। बुरी संगत से दूर रहें। तो लो जी भाइयों, फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। हमारे होटल से 1 किलोमीटर दूर था पूरा, बस अब यही करते हैं कि अंदर एसी लग रहा हो, अभी स्टार्ट नहीं हुआ शायद। भाइयों पहुंच गए साउथ एशियन चैम्पियनशिप, ये लेके आए हैं और क्या लेके जाएंगे वो पता चल जाए, पता चल जाएगी थोड़ी बहुत देर में आप लोगों को। चलो एक्सपीरियंस, क्या बोलते हैं उसे और इंग्लिश में, थोड़ा सुकून धरती में लेटे हुए, हाय हाय सामने एसी लग रहा है, जमीन में लेट रहा हूँ, फील ये है एक बॉडी बिल्डर की लाइफ। स्किन अपडेट, टाइनिंग लगते हुए देन उसका स्टेज दिखाएंगे पूरा। अभी दिमाग में खाली यही है कि भोले बाबा इस बार तो गोल्ड, तुम्हारा पट्टा भी डिजर्व करता है, गोल्ड आएगा तो पापा से अच्छा सा गिफ्ट लूँगा क्योंकि मेरे साथ साथ मुझसे पहले हुआ है ना, तो गोल्ड आती पापा से गिफ्ट लेंगे अच्छा सा, सुन रहे हो ना। चलो मिलता हूँ आप लोगों से टाइनिंग टाइम। चढ़ चुकी है देन उसके बाद 80, फिर 2 कैटेगरी और है, फिर अपना आ जाएगा 90 प्लस। 5 से 6 से 7 बंदे हैं कैटेगरी में, देखेंगे सबसे ज़्यादा कैसा होता है और सारे बंदे कैसे सबसे ज़्यादा आपकी कैटेगरी में, हाँ देखते हैं कौन कौन आएगा। चलो भाई अपने पंप के लिए ले रहे हैं अपने डॉक्टर चॉइस का अपना रिबडेक्स 5, बाकी पता चलेगी क्या होता है क्या नहीं। The world has been broken down. The world is just a mess. Final time is now. The final time so bad. But I will not get down. For you
Number 100 from India, Mr. Nitin Chandila, and number 101 from India, Mr. Silva Kumaris. Thank you. Please turn around, face to the back. Number 100, Mr. Nitin Chandila. Final time is now. The final time to bow. But I will not get down. For you can't force me now. Awakening is clear. I could show you. Nitin! Thank you.
लास्ट नितिन Men's fitness physique, we have two contestants in this category, number 56 and number 128. Second place and the title baki hai. जहाँ नहीं हर जगह बनेंगे, कोशिश करते रहेंगे जब तक ना बनेंगे। अभी टाइटल बाकी है, अभी टाइटल बाकी है, फाइट करेंगे अभी भी। अभी टाइटल बाकी है मेरा भाई। भाई इन्होंने अभी भी पानी नहीं पिया है, ये बोल रहे हैं टाइटल के लिए जाऊंगा। बहुत बढ़िया। खा जाएगा नितिन। बैक कंट्रोल जैसे बताया, हेलो आप करके चल होल्ड आ गया, हेलो ये होल्ड, बहुत ही बढ़िया। यस होल्ड, बस बस खादर ऐसे रख, होल्ड बस, रिलैक्स, योर बैक इज नॉट स्ट्रेट, चल 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 होल्ड कर लिया वो। खाजा बड़ा है, चल बैठ के ये। अरे बहुत बढ़िया, कंधा क्या हो रहा है ये। 100 नंबर 100, दोनों कंट्रोल दोनों। बहुत बढ़िया। ओ नंबर ये समझ लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज टर्न अराउंड एंड फेस टू द पोडियम फॉर योर बैक टॉप। रिलैक्स, अरे नहीं है कहीं भी नहीं। स्माइल फॉर योर साइड ट्राइसेप्स, ट्राई टू गिव इट इजी। फ्लेक्स, होल्ड, ah नाइस, Yes. Yeah.
तो लो जी भाइयों, फाइनली ये थी अपनी साउथ एशियन चैंपियनशिप। मैं बहुत खुश हूँ, इनफैक्ट मुझे गोल्ड मेडल मिला मेरी कैटेगरी में, और बहुत टफ फाइट थी क्योंकि 90 प्लस कैटेगरी खेला तुम्हारा भाई सन 2018 के बाद। फेस पे आप खुशी देख ही रहे होगे। उससे ज़्यादा खुशी मुझे तब हुई जब मैं ओवरऑल से नीचे आया। फेस से पता चल होगा मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। ओवरऑल से मैं नीचे आया, अदर कंट्रीज़ के जो जजेस थे, जो अपनी कंट्री के छोड़ के, बस मैं ये नहीं कह रहा मैं डिजर्विंग था, मैं अब बता रहा हूँ जो मेरे भाई अगर मेरी कोई बात पकड़े तो, मैं ये नहीं कह रहा मैं डिजर्विंग था, बट उन्होंने मुझे नीचे आके बोला यू आर द विनर, तो ठीक है, कुछ ना कुछ उनको अच्छा लगा होगा। चार पोज मेरे भाई के ठीक होंगे, तीन मेरे होंगे। अपने को गोल्ड मिल गया, ऑल ओवर टाइटल की बात है, पब्लिक जानती है। आप वीडियो देखो, वीडियो में कमेंट बताओ, ये डिजर्विंग था तो इसके लिए बताओ, वो डिजर्विंग था उसके लिए बताओ, हमारी तरफ से तो हमारा अच्छा है। लाइट बंद होगी, हम घर जा रहे हैं, और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ और है, मैं दोबारा कल कम्पीट कर रहा हूँ करेक्ट 3 बजे। अभी बस जाके एक अपनी कार्ब से भरी मील लोड में खा के चुप सोने जा रहा हूँ भाई, भूख लग रही है। एक मील में झिक के लोड करके फिर अपना पेट साफ करूंगा, बॉडी से दोबारा पानी निकालूंगा और कल आके दोबारा यही कंप्लीट करूंगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, आपका चपला चैनल है, चपला चैनल है। और गोल्ड के लिए भाई उस्ताद जी को अगेन एक और गोल्ड मेडल गोल्ड दिया, बहुत बहुत मजा आया, मतलब इमोशनल, सारे इमोशनल हो गए हम। सचिन आजाओ, यस हिमांशु आजा, हम बहुत, मैं तो चलो चलो चलो, खुश रहे, बाय बाय, लव यू सभी को।